हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा, यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास वोल्टास का इन्वर्टर और उसमें ई एड करके एरर आ रहा है, तो एरर के इस एरर का जो मीनिंग है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक जल्द से जल्द आएगी। और अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ एरर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, कुछ बात करना है फ्रिज ऐसी वॉशिंग मशीन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, आप उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे वोल्टास इन्वर्टर में अगर ई एट एरर आ रहा है, तो वो एरर गाइस आपका आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट है। आप अपने आउटडोर यूनिट को खोल के चेक करिए, हो सकता है चूहे ने वायर ब्रेक कर दिया हो, तो उसको चेक कर लीजिए। अगर चूहे ने वायर ब्रेक नहीं किया है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फॉल्ट है गाइस। आप सीधी भाषा में समझे तो आप अपने आउटडोर की पीसीबी को निकालें और जितने भी कनेक्टर वगैरह लगे उसको निकाल के एक बार फिर से लगा दें उस जगह पे, तो जो उसमें वायर में जो कार्बन आता है वो पूरी तरह से हट जाएगा। और हो सकता है कि कुछ वायर लूज होने की वजह से भी ई एट एरर आता है, तो आप कनेक्टर निकाल के फिर से लगाएंगे तो वो पूरी तरीके से एरर हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।